आज हमें इस होम थिएटर के क्या प्रॉब्लम है आपको अभी दिखाता हूँ। ये जो देखो इंटेक्स कंपनी की होम थिएटर है, इसका पीछे साइड दिखाता हूँ। ये जो देखो इसका मॉडल नंबर है, यहाँ जो देखो पावर ऑन ऑफ स्विच की, और इधर देखो इनपुट और आउटपुट की चार कनेक्शन दे रहे, दो इनपुट के कनेक्शन हैं। अब इसका क्या प्रॉब्लम है आपको उसको बोर्ड पे लगा के दिखाता हूँ। हम अभी इसको बोर्ड पे लगा दिया, अब स्विच ऑन कर दिया, तो देखो इंडिकेटर लाइटिंग आ गया। अब इसका क्या प्रॉब्लम है इसका जो बैक साइड खोल के आपको देखा था, जो बैक साइड का सारे स्क्रू को खोल लेता हूँ, उसका जो आवाज हो रहा है ये इसका प्रॉब्लम है। अब इसको सारे के सारे स्क्रू खोल लेता हूँ, जो देखो हम बैक साइड इसको खोल ले हैं, तो साइड खोल लेते हैं थोड़ा। ये जो इसका पीसीबी है पूरा ओरिजिनल कंपनी है, इंटेक्स कंपनी है, से इंटेक्स भी लिखा रहा है। ऐसे एक बार भी रिपेयर नहीं हुआ है, आपको देखाता हूँ उसको पूरा सारे के सारे। ये जो देखो यहाँ से इंटेक्स लिखा है, ओरिजिनल लिखी थी इंटेक्स कंपनी की, यहाँ से लोका लेने लगा है। उसका जो पीसीबी का जो बैक साइड दिखाता हूँ, ये जो देखो उसका एक बार भी रिपेयर नहीं हुआ है, देखो कहीं से एक बार शोल्ड नहीं लगा है। इसका क्या प्रॉब्लम है अभी इसको चेक करके आपको दिखाता हूँ। हम इस होम थिएटर को पहले सप्लाई दे देता हूँ, उसके बाद उसको वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है नहीं इसको चेक कर लेता हूँ। अभी 220 वोल्ट पे इसको सेट कर दिया, टेस्ट कर लेता हूँ उसका बैक साइड, टेस्ट करने के बाद उसको पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। इसका सप्लाई जो आ रहा है 23.2 वोल्ट आ रहा है, इसका सप्लाई ठीक है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम है अभी इसका एसी का कुछ गड़बड़ नहीं, उसका जो हीट सिंक ज़्यादा गर्म हो रहा है, उसमें जो 3 आईसी लगा है, जो एक वेपर स्पीकर के लिए और जो 2 है जो आउटपुट छोटा छोटा स्पीकर, 4 स्पीकर लगता है, कौन सा ऐसे ज़्यादा गर्म होता है देखता है। ये जो जो ऊपर वाला ऊपर का जो वॉइस है वो ज़्यादा गर्म है, इसको पहले रिफ्रेश करके देखता हूँ, इसका ही प्रॉब्लम है, उसका ऐसे ही सेट होगा। तो इसका सप्ले काट लेता हूँ, उसके बाद अभी इसको ऐसे को पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये जो है साइड का वेपर का आईसी, इस वेपर का आईसी को पहले रिप्लेस कर लेता हूँ।
लेता हूँ। उसके बाद इसका जो इसके साइड में एक स्क्रू है, ये जो देखो उसका ऐसे है, ऐसे को एक ऐसे तो हम लोग खोल लिया हूँ। ये जो देखो एक ऐसे खोल दिया हूँ उधर का, ये जो है कैसे खोल दिया हूँ। अरे अभी इसको चला के देखता हूँ। अभी स्विच दे दिया हूँ उसका, जो ये जो छोटा टा इंटेक्स कंपनी का भी स्पीकर है उसको लगा के देखता हूँ। दूसरा वाला स्पीकर भी खराब ऐसे लग रहा है जो स्पीकर का है, और एक दूसरा स्पीकर भी लगा के देखते हैं। ये ऐसे देखते हैं टच करके, ये ऐसे ठीक है। और दूसरे का दो नंबर ऐसे भी इसका जो स्पीकर का उसको ऐसे भी हम उसको रिप्लेस कर लेते हैं। ये जो ऐसे है उस ऐसे को भी खोल लेता हूँ, उसका भी प्रॉब्लम है। इसका दो ऐसी का प्रॉब्लम है। अभी जो बीच की ऐसी है उसको भी खोल लेता हूँ। अभी तो दो ऐसी जो मैं रिमूव कर लिया हूँ। ये देखो दो ऐसे हम उसको रिमूव कर दिया हूँ। ये जो दो ऐसे है देखो, ये दो ऐसे है ऐसे ऐसे को हम रिमूव कर दिया हूँ। देखो उसमें देखो यहाँ का एक ऐसे और यहाँ का ऐसे, दो ऐसे का हमने इसको खोल लिया हूँ। ये जो ऐसे है जो हमारा इसमें जो 20-30 का ऐसे लगा है देखो उसमें, ये जो नया वाला ऐसे है, अरे जो तो पुराना वाला है, ये जो देखो पुराना वाला ऐसे, अरे है नया वाला ऐसे, इस ऐसे के इसमें दो ऐसे इस तरह दो ऐसे इंस्टॉल कर लेता हूँ उसमें। इसमें थोड़ा स्ट्रिंग पेस्ट लगा लेता हूँ। देखो हम उसको दो ऐसे यहाँ से लगा दिया हूँ, एक इधर और एक इधर दो ऐसे लगा दिया हूँ। उसके बाद उसको सोल्ड कर देता हूँ। हम अभी इसका तो दो ऐसे चेंज कर लिया हूँ, एक तो एक ऐसे और एक ऐसे, दो ऐसे जो चेंज कर लिया हूँ, एक वो ऊपर की और एक जो स्पीकर की है, दो उसको ऐसे चेंज कर लिया हम। देखो इधर देखो ए ऐसे और ए ऐसे, दो ऐसे हम चेंज कर लिया हम उसको। अभी इसको सप्लाई दे के देखता हूँ पहले जैसे साउंड हो रहा है कि इसका साउंड चेंजेस हुआ है। अभी तो उसको प्लग लगा दिया हूँ, देखो अभी साइलेंट हो गया। अभी देखो वो करके आवाज चाहिए, अभी ठीक हो गया ऐसे लग रहा है। अभी हम स्पीकर को लगा के देखते हैं, स्पीकर से भी उसको आवाज आ रहा था ठीक है। अभी उसको चला के देखता हूँ। उसका बैक साइड कवर को ऐसे रख लेता हूँ थोड़ा सा, हम अभी उसका बैक साइड का कवर लगा दिया हूँ। उसके बाद हम उसको इसका तो USB पैनल ख़राब है इसलिए हम उसको अक्सकर से लगा के चलाऊँगा। अभी उसको अक्सकर के चलाऊँगा। अभी उसको सब लेते दे दिया, उसको जो बैक साइड का पावर स्विच है उसको ऑन कर लेता हूँ।
पावर स्विच ऑन करने के बाद इंटरफेस चालू हो गया। चलिए इसको जो चैनल दिखाएगा सर चैनल इसके तरह से उसके चैनल इससे हम अब इसको से उसको टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं। अब इसको आपको बैक से जो इनपुट का कनेक्शन जो रहता है तो स्कोर से चलता है उसमें हम इसको लगे देख रहे हैं तो जो अक्सर से चालू हो रहा है अभी इसको हम लोग आपको देखते हैं दो स्पीकर भी लगा दिया हम दो इनपुट जो करके इनपुट लिखाए तो ब्लू और ग्रीन का दो अक्सर से कनेक्शन है जो इनपुट है और नीचे का जो चार आउटपुट है उसमें दो स्पीकर भी हम लगा दिया है तो जो देखो करके इनपुट कनेक्शन है दे दिया है हम कुछ लगा रहे हैं उसका आगे तरफ देखकर वैसे चैनल जो तरफ है उसके हम अक्सर से हम चला रहे हैं कनेक्शन दे दिए सर वो देख रहे हैं इनपुट कनेक्शन है तो दो इनपुट कनेक्शन दे दिया है और जो नीचे का जो लोअर वॉइस का आउटपुट कनेक्शन है तो उसके बाद का जो है नीचे का जो है तो लोअर वॉइस का स्पीकर आउट कनेक्शन है छोटा छोटा जो जगह चालू हो रहा है इसके इसमें चालू कर रहे हैं इसको चैनल खराब है इसके हम वॉल्यूम को कम ज़्यादा करके आपको दिखाता हूँ। कम ज़्यादा करने से वॉल्यूम भी ठीक काम कर रहा है कम से कम कर रहा है ज़्यादा वॉल्यूम देने से तो लो भी चल सकते हैं अक्सर सर जैसे और नीचे का जो है बड़ा वाला तो कम ज़्यादा भी हो रहा है हमारा इसका दो आईसी खराब हो गया था जो वेपर का पूरी तरह से हमारा इंटरटेनर जो ठीक हो चुका है इसका जो यूएसबी पैनल यूएसबी पैनल लगाने से यूएसबी पैनल से भी आप कार्ड रीडर लगा सकते चला सकते हो पेन ड्राइव लगा कर चला सकते हो इसमें पूरी तरह से हम भी इस तरह से आसानी से घर बैठे इंटरटेनर कर सकते हैं। We'll be right back.